नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज एक वीडियो में दो टॉपिक कवर करने हैं। वो टॉपिक के नाम कुछ इस तरह से, एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम स्ट्रक्चर और उसके साथ फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ऐसे ये दो पॉइंट एक ही वीडियो में कवर करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका मैंने डायग्राम यहाँ पे निकाला है। तो पहले क्या कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हाइड्रोलिक सिस्टम में होते हैं वो देख लेते हैं, फिर उसके फंक्शंस ऑफ ईच एलिमेंट वो देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक टैंक है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है आपका ऑयल स्टोर होता है। उसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब भी होता है। वो ग्लास ट्यूब में क्या होता है, आपको हाइड्रोलिक टैंक में कितना ऑयल है वो वहाँ पे दिख जाता है आपको। उसके साथ ही यहाँ पे एक ब्रीदर होता है। ब्रीदर क्या है कि हाइड्रोलिक टैंक में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे, इसलिए वहाँ पे एक ब्रीदर रहता है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट एलिमेंट टैंक के बाद एलिमेंट आपका है पंप है, हाइड्रोलिक पंप। उसको क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का कनेक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, आपके पंप को रोटेट करती है। फिर पंप के बाद है यहाँ पे आपके प्रेशर रिलीफ वॉल्व। फिर यहाँ पे है प्रेशर गेज कि आपके सिस्टम में कितना प्रेशर है वो दिखाने के लिए प्रेशर गेज। फिर यहाँ से आता है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। क्या करता है, आपका ऑयल जो प्रेशराइज ऑयल पंप से आ रहा है वो किस साइड भेजने का काम क्या करता है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व करता है। फिर उसके बाद है आपका फ्लो कंट्रोल वॉल्व। यहाँ से जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से जो ऑयल आ रहा है वो फ्लो कंट्रोल वॉल्व आगे आपके एक्चुएटर को भेजता है। ये जो दिख रहा है आपको आपका एक्चुएटर है, इसको आप सिलेंडर भी कहते हो। और एक्चुएटर का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसको एक सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन और पिस्टन रॉड का असेंबली है। फिर यहाँ पे चेक वॉल्व का है। फिर वापस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिल्टर है। फिल्टर का काम क्या है, वो आप जब इच फंक्शन हर एक फंक्शन होगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी इसमें का हर एक कंपोनेंट का वर्किंग क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम में इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका रिजर्वायर का। रिजर्वायर में बेसिकली इट्स एक्ट एज ए रिजर्वायर। ये क्या करता है, जितना भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम का ऑयल लगता है वो क्या करता है, यहाँ पे स्टोर होता है। कुछ ऑयल आपका पंप से सिस्टम में पूरा रोटेट होके वापस आपके हाइड्रोलिक टैंक में आता है। यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब का फंक्शन मैंने बताया, ब्रीदर का भी फंक्शन बताया। फिर यहाँ से नेक्स्ट है आपका सेकेंड पार्ट, कौन सा आपका पंप है। पंप इज़ द हार्ट ऑफ योर हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसे अपने बॉडी में हार्ट है जो क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन आप बॉडी में रोटेट करता है, सेम वैसे ही फंक्शन आपका पंप का है। पंप को आपका इलेक्ट्रिक मोटर का कनेक्शन रहेगा। फिर पंप का क्या काम है, यहाँ से हाइड्रोलिक टैंक से लो प्रेशर ऑयल सक करने का और फिर उसको प्रेशराइज करके आपके जो सिस्टम है हाइड्रोलिक सिस्टम उसको आगे तरफ भेजने का काम पंप करता है। फिर वहाँ से आता है आपका ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व का एग्जांपल अगर आपको मुझे देना है तो आप कंसिडर करिए आपका जो गैस का घर में जो कुकर रहता है उसे ऊपर जो आप बोलते हैं उसको सिटी बोलते हैं, वो सिटी का बेस्ट एग्जांपल है आपका ये प्रेशर रिलीफ वॉल्व। इट एक्ट एज ए सेफ्टी डिवाइस। अगर आपके पंप ने एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया है जो आपके सिस्टम को नहीं लगता है तो वो क्या होता है, यहाँ से प्रेशर यहाँ पे आता है और ये जो एलिमेंट है वो एक्चुएट हो जाता है और आपका जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वापस टैंक की तरफ जाता है। प्रेशर गेज क्या करता है, आपके प्रेशर लाइन, ये जो है ये प्रेशर लाइन है और ये रिटर्न लाइन है। प्रेशर लाइन में कितना प्रेशर है वो दिखाने का काम प्रेशर गेज करता है। फिर यहाँ से ये जो है डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का एग्जांपल अगर आपको देना है तो आपका जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में क्या होता है, जब सामने वाला सिग्नल ऑन रहेगा तभी जो ट्रैफिक है वो आगे जाती है, राइट साइड का सिग्नल हुआ तो राइट साइड को जाती है, वैसे ही सेम काम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का है। उसको आप क्या कह सकते हो, फ्लूड कंट्रोलिंग एलिमेंट भी कह सकते हो। तो पंप से जो प्रेशराइज ऑयल आया है वो क्या करता है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व आगे डिसाइड करता है कि ये जो आपका एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर का पिस्टन का ये लेफ्ट साइड है, आप इसको क्या कह सकते हो, फेस साइड कह सकते हो, और ये जो साइड है ये रॉड साइड है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व ने ऑयल लेफ्ट साइड में भेजा तो ये क्या होगा, राइट साइड को शिफ्ट होगा। अगर ये डायरेक्शन कंट्रोल ने ऑयल यहाँ रॉड साइड भेजा तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व डिसाइड करता है कि ऑयल कहाँ भेजना है, ठीक है। फिर उसके बाद आए फ्लो कंट्रोल वॉल्व। फ्लो कंट्रोल वॉल्व क्या है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व को आप क्या कह सकते हो,
ठीक है, उसमें फ्लूड कंट्रोलिंग में ही वो आता है। फ्लो कंट्रोल वाल्व में आप जितना फ्लो कंट्रोल वाल्व को एडजस्ट करोगे उतना लीटर पर सेकंड ऑयल क्या होता है आपके एक्चुएटर में जाता है। अगर फ्लो कंट्रोल वाल्व आपने टोटल ओपन किया तो क्या होगा, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑयल आपके सिलेंडर के अंदर जाएगा, उतना सिलेंडर क्या होगा फास्टली आगे जाएगा। जैसे आपके बाइक का एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर में क्या है, जितना एक्सीलेटर आपने रोटेट किया उतना पेट्रोल अंदर आपके सिलेंडर में जाता है और आपका कंबशन ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा मिलती है। सेम कंसेप्ट आपके फ्लो कंट्रोल वाल्व में है। ये चेक वाल है, चेक वाल क्या होता है, वन वे वाल है जो क्या करता है, एक डायरेक्शन को ऑयल से ऑयल को जाने देता है, लेकिन अगर ऊपर से ऑयल नीचे आ रहा है तो वो नहीं जाने देता है, चेक वाल है। फिर यहाँ पे एक्चुएटर, एक्चुएटर का मैंने बताया कि सिलेंडर पिस्टन और पिस्टन रॉड का असेंबली है। फिर यहाँ से आपका है फिल्टर, फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर क्या करता है, जो भी आपके इसमें इम्प्योरिटीज़ है उसको क्या करता है, अरेस्ट कर लेता है। एक्चुअली फ़िल्टर के दो तीन लोकेशन है, तो फिल्टर के लोकेशन कौन कौन से है, बिफोर आपका पंप है या आफ्टर पंप है या रिटर्न लाइन में होते हैं, ऐसे तीन जगह पे आप फिल्टर का अरेंजमेंट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे आपने फिल्टर लगाया तो क्या होगा, जो कुछ अपने आपके टैंक में इम्प्योरिटीज़ है वो क्या हो जाएगी, यहीं पे अरेस्ट हो जाएगी, आगे आपके सिस्टम को नहीं जाएगी। फिल्टर का क्या होता है, फिल्टर में कंसिडर करिए यहाँ से कुछ इम्प्योरिटीज़ थी या मेटल पार्टिकल्स थे, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फिल्टर नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, पंप में जाएंगे, और पंप में आपको तो पता है रोटेटिंग पार्ट्स है, तो वो क्या हो जाएगी, रोटेटिंग पार्ट्स में अगर वो फंस गए तो वहाँ पे स्क्रैचेस आएंगे, आपका पंप ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फ़िल्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप पंप के बाद फिल्टर लगाते हो तो क्या होता है, पंप में से कुछ बर, मेटल बर निकली तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगी। और रिटर्न लाइन का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर यहाँ से कुछ बर यहाँ तक आई है वो टैंक में नहीं आएगी, ऐसे ये फिल्टर का टोटल आपका काम था। फिर उसके बाद पाइपलाइन से, पाइपलाइन मतलब ये जो पाइपलाइन कपलिंग्स यहाँ पे आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में होती है, जो क्या करती है आपका हाइड्रोलिक प्रेशराइज ऑयल क्या करती है, कैरी अवे करती है। आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में दो लाइंस होती है, एक होता है प्रेशर लाइन, एक होता है रिटर्न लाइन। प्रेशर लाइन मतलब जो पंप से आगे जाती है वो आपकी प्रेशर लाइन है, और फिर आपके एक्चुएटर से जो रिटर्न आपके टैंक की तरफ आती है उसको रिटर्न लाइन कहते हैं। ये तो होगा बेसिक आपका हाइड्रोलिक का स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ईच एलिमेंट। अभी देखते हैं कि एक्चुअल फ्लो चार्ट कैसे होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑयल स्टोरेज है, यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे पंप है, पंप से ऑयल आगे जाता है सिस्टम की तरफ, और यहाँ पे आपका क्या है, प्रोटेक्टिव वॉल है। यहाँ से अगर प्रेशर एक्सेस है तो वापस वो ऑयल क्या होता है, टैंक की तरफ आता है। फिर पंप से ऑयल यहाँ पे आगे कंट्रोल वॉल में जाता है। कंट्रोल वॉल मतलब क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वॉल है, फ्लो कंट्रोल वॉल, चेक वॉल यहाँ पे है। फिर यहाँ से आपका आगे आपका एक्चुएटर है, और फिर जो एक्चुएटर का रिटर्न लाइन है यहाँ पे है आपका, ठीक है। ऐसा ये फ्लो चार्ट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।